कटनी में बागेश्वर धाम पटनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में युवा मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने विदेशी ताकतों द्वारा साधु संतों को बदनाम करने और पूरे देश को साधु संतों का समर्थन करने की बात कही है। देश में बागेश्वर धाम महाराज पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध। अब कटनी में बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में युवा मुस्लिम समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुस्लिम युवाओं की तरफ से कहा गया है कि विदेशी षड्यंत्र के तहत हमारे साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। हम इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा देश साधु संतों के समर्थन में है और हमारे साधु संतों पंडितों पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। युवा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अरशद मंसूरी के नेतृत्व में यह ज्ञापन गृह मंत्री के नाम सौंपा गया है। आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार एसडीएम महोदय जी को आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम जी के समर्थन में कटनी मुस्लिम यूथ संघ के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये बात कही है, ये देश की पावन भूमि, साधु संतों की तपस्या की भूमि है और जिस तरह हमारे धामों और साधु संतों के खिलाफ विदेशी ताकतों के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ, हमारे साधु संतों के खिलाफ, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं यदि हमारे साधु संतों के ऊपर इस तरह के आरोप और टिप्पणी लगाई जाती है तो हम कटनी का मुस्लिम यूथ संघ सड़कों पे उतरेगा, विरोध करेगा और अपना विरोध दर्ज करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।